अंधे मुनि ने मुझे श्राप दिया है गुरुवर। अभिशाप? क्या अभिशाप? जैसे उन्हें पुत्र शोक हुआ, वैसे ही मुझे पुत्र शोक में मरना पड़ेगा गुरुदेव। पुत्र शोक? हाँ गुरुदेव। अति उत्तम। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? आपके शिकार का उद्देश्य सफल हुआ महाराज, श्राप वरदान हो गया है। वो कैसे? अगर आपको पुत्र ही नहीं होगा तो पुत्र शोक कैसे होगा महाराज? अंधे मुनि के अभिशाप से आपको पुत्र प्राप्ति होगी महाराज। ऐसा क्या? मनुष्य मरणशील है, जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु अवश्य है महाराज। बुढ़ापे से मुक्ति नहीं मिल सकती है। पुत्र प्राप्ति के बाद अगर पुत्र शोक में परलोक जाना हो तो इसमें क्षति क्या है? आपने मुझे शांति प्रदान किया है गुरुदेव। मेरी यात्रा सफल हुई, अंधे मुनि का श्राप मेरे लिए वरदान हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आयुष्मान भव। परंतु पुत्र के लिए आपको ये यज्ञ करना पड़ेगा, अश्वमेध यज्ञ। अवश्य अवश्य गुरुदेव, अश्वमेध यज्ञ होगा। मैं कल सुबह ही घोषणा करवा दूंगा गुरुदेव। सुबह राजा दशरथ ने राज दरबार में अश्वमेध यज्ञ की सार्वजनिक घोषणा की। राज दरबार में आए हुए सभी मंत्रीगण, हमारे महामंत्री, अतिथिगण एवं हमारे कुलगुरु वशिष्ठ देव, आप सभी जानते हैं कि अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कुलगुरु वशिष्ठ देव की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति हेतु मैं अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करता हूं। जय महाराज दशरथ की जय। इधर यज्ञ कुंड में आहुति चल रही थी और उधर अमृतत्व के लिए तपस्या कर रहा था एक तपस्वी, और शुरू हुआ एक कठिन और लंबी तपस्या। कई साल बीत गए, तपस्या का अंत ही नहीं। अंततः तपस्या से खुश होकर स्वर्गलोक से मृत्युलोक आए स्वयं ब्रह्मा। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स, वरदान मांगो। मैं धन्य धन्य ब्रह्मदेव, धन्य मेरी तपस्या, वरदान मांगो। हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए। कोई भी देवता, असुर, साधु, राक्षस, पशु, पंछी, किसी के हाथ भी मेरी मृत्यु नहीं हो। ऐसा ही होगा। कोई भी देवता, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। तथास्तु। मैं दशानंद रावण, लंकापति रावण, मैं अमर, मेरी मृत्यु नहीं। कोई भी देवता, असुर, साधु, राक्षस, पशु, पंछी मुझे नहीं मार सकता। मैं तीनों लोक में राज्य करूंगा। जय महाराज दशरथ की जय। जय महाराज दशरथ की जय। जय महाराज दशरथ की जय। अयोध्या में जब पुत्रेष्ठी यज्ञ चल रहा था, ठीक उस समय स्वर्गलोक के समस्त देवता चिंतित हो गए, क्योंकि लंका पति रावण अमृत का वरदान लेकर शुरू कर दिया था भयंकर उत्पीड़न।
देवता, ऋषि, मनुष्य कोई भी अछूता नहीं रहा। मैं लंकापति रावण, मैं ब्रह्मदेव के वरदान से अमर हूं। अमर मेरी मृत्यु नहीं, मैं स्वर्ग, नर्क, पाताल पर राज करूंगा। तीनों लोग मेरी मुट्ठी में। भगवान विष्णुदेव, समस्त देवतागण और मनुष्य अति कष्ट में हैं, अतः इसलिए मैं सारी बातों से अवगत हूँ देवराज, इसलिए मैं भगवान ब्रह्मदेव के पास उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को कोई भय नहीं, ब्रह्मदेव के वरदान से मनुष्य के अलावा किसी और के हाथ से राक्षस राज रावण की मृत्यु नहीं होगी, इसलिए रावण का वध करने के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा मनुष्य रूप में। राजा दशरथ, अयोध्या के अधीश्वर, दानशील, उद्दार, महर्षि तुल्य, तेजस्वी पुरुष, मैं राजा दशरथ की तीन रानियों के गर्भ से चार भागों में चार पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। विष्णु देव ने निर्णय लिया, वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। ठीक उस समय पुत्रेष्ठि यज्ञ के तेज अग्नि से प्रकट हुए पर्वत समान एक विशाल काय पुरुष, ए निपो, तेजस्वी राजा दशरथ, आप कौन हैं? मुझे ब्रह्मदेव का दूत कह सकते हैं। आपका स्वागत है ब्रह्मदूत। पुत्रेष्ठि यज्ञ सफल हुआ, इसलिए देव आशीर्वाद से स्वयं देवताओं ने स्वर्ग से आपके लिए खीर भेजा है। यह देव निर्मित खीर पुत्रदायक है महाराज, इसे तीनों रानियों के बीच बांट दीजिए, इससे आपको पुत्र प्राप्ति होगी महाराज। सार्थक, सार्थक हुआ है मेरा अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्ठ यज्ञ। जय महाराज दशरथ की जय। जय